सारी राजस्थान में, और वह राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो जड़ से कट जाएंगे। उनको भी अपने बच्चे की चिंता है और जो सारी चीजें। खैर, जो पार्टी का दबाव पड़ा उसके राजी हो गए, तो उनकी इच्छा ये थी कि उनको मुख्यमंत्री भी रखा जाए और अध्यक्ष बनने के लिए तैयार, जिसके लिए पार्टी हाईकमान तैयार नहीं हुआ। हालांकि कामराज के समय ऐसी व्यवस्था थी, उसी तौर पर व्यवस्था बदल दी गई, एक आदमी एक पद की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन उनका जो गेम है उन्होंने खुद बिगाड़ लिया और अब बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। एक अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की पदयात्रा की भद करा दी। अब देखिए, 3 रोज से पदयात्रा की कोई चर्चा नहीं हो रही, सब इसी में लग गए। और अभी तो बीजेपी उस पर कुछ चर्चा तो मीडिया में ऐसे भी नहीं होनी थी कांग्रेस की। नहीं होनी थी, लेकिन अब कांग्रेस जो राजस्थान में संकट, उस पर तो हमारे नेशनल मीडिया लगा हुआ है सुबह शाम तक। तो राहुल ने लगा हुआ है ना कि कांग्रेस संकट में है, पदयात्रा है तो अलग चीज हो गई, भारत जोड़ो अलग हो गया उनके लिए। मीडिया तो लेकिन आपको पता है मीडिया का क्या खेल है। पदयात्रा पदयात्रा तो वैसे ही लोग ने कवर कर रहे थे, लेकिन जो लोग उस पदयात्रा में शामिल हो रहे थे उनका तो एक अलग मैसेज था ना। वो राहुल गांधी को मालूम है कि नेशनल टीवी उनके साथ नहीं है, और ये ओपनली कहते भी है, तो उसमें छिपी बात नहीं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जब ये सब तय हो गया तो इतना घटनाक्रम हुआ कि वहां शांति धारीवाल और प्रताप सिंह और एक और कौन, जो 3 लोगों को नोटिस दी गई है, इन लोगों ने खुलेआम बगावत कर दी। और अशोक गहलोत कह रहे साहब मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो ये बात हजम तो हो नहीं रही, तो साफ झूठ है कि किसी मुख्यमंत्री जो वही सीएलपी का नेता होता है उसको जो बैठक बुलानी थी उसके घर पर होनी थी, वो बाद में शांति धारीवाल क्या हो गई और पूरी बगावत का सीन हो गया। और पहली बार ऐसा हुआ, मैं दसियों साल से देख रहा हूं कांग्रेस को, जहां कांग्रेस ने कोई एक्शन लिया। नहीं तो कांग्रेस की तो सबसे बड़ी समस्या है कि कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। आपको याद होगा कि जब पंजाब में क्राइसिस हुई तो उस क्राइसिस का एकमात्र हल ये था कि नवजोत सिंह सिद्धू को निकाल बाहर करते तो चन्नी बने रहते, अगर चन्नी को बना दिया था, और जो उन्होंने दलित कार्ड खेला था उसका फायदा भी। खैर, सिद्धू जी खुद उन्होंने अमरिंदर को भी निपटाया, चन्नी को भी निपटा, अंततः खुद निपट गए और जेल की सजा भुगत रहे दूसरे कारण से। मैं फिर आता हूँ राजस्थान पर। इसमें मेरा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है अपने सचिन पायलट, इनकी आप मान लीजिए कि लाठी निकल सके। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये अगर दबाव कायदे से बनाएंगे अशोक गहलोत, तो इनके एक गुट के किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमत हो जाएगी। लेकिन अब अगर कांग्रेस आला कमान को अपनी इज्जत बचानी है तो उनके साथ दो ही रास्ते, एक वो अशोक गहलोत को ही अध्यक्ष बनवाए, क्योंकि तो अगर अध्यक्ष कोई और होगा तो भी किरकिरी होगी, और दूसरे इनको मुख्यमंत्री के बजाय सचिन पायलट को ही बनाए, क्योंकि तो विवाद इन दोनों को लेकर ही है। और कांग्रेस पार्टी के विधायक जिस ढंग से सोनिया स्वर्णम गच्छामी हो गए सुबह से, और सबने बताया कि नहीं हम तो हाईकमान के साथ है, तो कल शांति धारीवाल क्या क्या कर रहे थे। तो ये समझ में आया कि जब पार्टी का हंटर चलता है आला कमान का, तो हर पार्टी की वही स्थिति होती कि हे आला कमान, तुम जो कहो वही ठीक है। अब इस जगह पर हो गई, 3 लोगों के खिलाफ शो का नोटिस भी जारी हो गया। अब मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आला कमान जो है, 2 दिन कुल रह गए हैं नॉमिनेशन के लिए अध्यक्ष पद के लिए, तो उनके लिए मुफीद ही अभी तो अशोक गहलोत हो। हाँ, अशोक गहलोत के मन में जरूर चिंता होगी कि यार जाते जाते अध्यक्ष भी बनेंगे
और जब ऐसे टेंस पोजीशन में बनेंगे तो आला कमान तो हमेशा आपसे सतर्क रहेगा, और आला कमान के मन में रहेगा कि यार ये नेता जो बनने के पहले से खेल कर गया, इसके शुरू से चूड़ी कसे रहना, वरना कभी हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।